أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقت من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه الله يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما في فهم القران كي 74 میں استقبال کرتی الحمد لله ہم لوگ کا سورہ چل और फिर हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन देखा सुरान अनकबूत का बैकग्राउंड देखे कि क्या बैकग्राउंड में नाजिल हुआ और बिन अर्थ जो ये जो है सूरे के यानी कि ये जो शुरू की जो आयतें दी गई है तो उसके रेवलेशन के लिए ख़ास ख़ब्बा बिन अर्थ की जो है सीरत जो है कनेक्टेड है उन्ही के जो है यानी कि तो पूछने पर आप वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई उनके वाक़े के ऊपर तो खास मतलब खबा बिन अर्थ का ये सूरे में जो है खास एक की रोल है और एक एक भी सहाबी का है जो सात बिन अबी वकास है इनशाला उनका हम लोग जो है आगे आयत नंबर एट के एट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे इन तो अभी हम लोग कल आयत नंबर सिक्स तक हम लोगों ने कम्प्लीट किया राइट और उसके अंदर हम लोग ये देखें कि अल्लाह ताला यहां पर बता रहे कि तुम लोग ये कह देने से कि हम ईमान लाए छूटने वाले नहीं हैं बल्कि ईमान को तुमको साबित करना पड़ेगा जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि बस एक जबान से कौल और करार कोई कर दे और फिर उसके बाद वो सिर्फ अपनी जबानी कलामी की वजह से उसको जो है जन्नत में दाखिला मिल जाएगा यानी कि इतनी आसानी से जन्नत को हासिल नहीं कर सकते बल्कि जो जबान से कहा जा रहा है उसको अमल से प्रूफ करना पड़ेगा उसको अपने अमल से साबित कर आ, साबित करना पड़ेगा तो अब देखिए कि एक अमल से साबित ये है कि आप जो है अल्लाह ताला की इतात और फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारो दूसरा जब आपको ये दीन के दीन के ऊपर अमल करने से रोका जाए आपके ऊपर जुलमर ज्यादती किया जाए इस्लाम की वजह से तो वो वक्त में भी साबित ख़दम रहना सबर करना और दीन को नहीं छोड़ना इस्लाम को नहीं छोड़ना ईमान में जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो ये अल्लाह ताला हर एक इंसान को उसकी जिंदगी में आज़मा कर देखेंगे ठीक है फिर उसके बाद अल्लाह ताला साथ में जो है जो जुल्म करने वाले हैं उनके ऊपर भी जो है अल्लाह ताला ने सरजनिश की और अल्लाह ताला बोले कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या तुम ये समझ रहे कि तुम जो है ऐसी जो है छूट जाएंगे और तुम अल्लाह ताला से बचकर निकल सकते नहीं बल्कि तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा और खतरनाक तुम्हारी पकड़ क्यामत में होगी फिर उसके बाद अल्लाह ताला ये बताए मोमिन जो है साहब इकराम को कि अल्लाह ताला जो है समीउल अलीम है अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और तुम्हारी दुआओं को तुम्हारी तकालीफ को अल्लाह ताला सुनने वाला है और फिर अल्लाह ताला आगे फिर ये बात क्लियरली बता दे रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब इक्राम और तामत तक के आने वाले लोगों के लिए कि जो भी इंसान अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता है मुजाहिदा करता है स्ट्रगल करता है तो वो खुद अपने नफ्स के लिए कर रहा है इसमें अल्लाह ताला के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा और अल्लाह ताला जो है बेनियाज है अल्लाह ताला गनी है तमाम जहान वालों से तो अब देखिए कि यहाँ पर जो है ना कुछ लोग इस तरीके का हमारे अंदर जो है हम देखते हैं कि ये मामला होता है कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह तला के लिए लगाता है ठीक है काफी अल्लाह ताला की राह में मेहनत कर रहा जद्दोजहद कर रहा कोशिश कर रहा उसके बावजूद भी अगर उसकी जिंदगी में वो खैर और बरकत नहीं देखता या फिर वो फिर भी परेशानियां देखता है या फिर अचानक से सडन जो है कोई लॉस हो जाता है कोई मुश्किल आ जाती है तो फिर वो ये सोचने लगता है कि मैं तो अल्लाह तला की राह में इतनी मेहनत कर रहा इतनी कोशिश कर रहा अल्लाह तला की राह में अपनी जिंदगी लगा दे रहा और फिर इतना जो है मुजाह मुजाहिदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी जो है मेरे साथ ऐसा हो रहा ठीक है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो दीन के लिए जो भी यानी कि सर्विसेज हम दे रहे हैं दीन के लिए जो भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बदल हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको बस दुनिया में हर तरीके की नियमत जो है नेमत से हम दो चार हों और हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आए कोई मुसीबत नहीं आए यानी कि गोया कि हम दीन का काम अपने जो है मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं या फिर जो है बीमारियों को दूर करने के लिए कर रहे हैं या फिर जो है गमों को दूर करने के लिए कर रहे और जैसे जो है हम जो है हिट होता है हमारे ऊपर एक जो है आज़माइश का परेशानी का तो हम ये सोचने लगते हैं कि अरे हम इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला की मैं तो इतनी नमाजें पढ़ती हूँ तो मैं तो इतनी कुरान पढ़ती हूँ मैं इतनी दुआएं करती हूँ फिर भी अल्लाह ताला क्या मेरी दुआ दुआें कबूल कर रहा क्या मेरी नमाजें नहीं कबूल कर रहा फिर क्यों मेरे साथ ये हो रहा तो देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला जो हम जो भी दीन के लिए काम करते हैं वो हम अल्लाह ताला के ऊपर एहसान के तौर पे नहीं कर रहे कि वो एहसान के बदले हम अल्लाह ताला से ये मांग रहे कि आप हमारी जिंदगी को जो है खुशहाल रखिए यानी कि हम आपके लिए कर रहे ना अल्लाह मियाँ तो अब आप भी हमारी जिंदगी को जो है अच्छा रखना हर जिंदगी के हर मामले में आप जो है हमारे यानी कि आप उसकी आ, जो है जिम्मेदार हो जाना तो यहाँ पर देखिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम हमारे नफ्स के लिए कर रहे हैं और यानी कि लिनफ सीख का मतलब ये है कि आखिरत के लिए हम कर रहे हैं यानी कि आखिरत में इसका बदला पाने के लिए हाँ ये हकीकत बात है कि अल्लाह ताला जो है इंसान को उसकी मेहनत का बदला दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा पर इसकी कोई जो है ज़रूरी नहीं है गारंटी नहीं है कि इंसान जो है दीन की राह में जद्दोजहद कर रहा कोशिश कर रहा और उसको जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा नवाज़ा जाएगा ये कोई अल्लाह की तरफ से गारंटी नहीं है अगर ऐसा होता तो सबसे लाविश जो है, आ, 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 परेशानियों के साथ जबकि हम क्या देखें सबसे ज्यादा है अंबिया इक्राम के ऊपर आती है फिर उसके बाद ईमान के दर्जे के मुताबिक जो है इंसानों के ऊपर यानी कि तमाम दूसरे लोगों पर जो है उसके ईमान के दर्जे पर आती है अच्छा अब यहाँ पर और एक एक जो है आ, कुछ लोगों को ये भी डर रहता कि अरे भाई ईमान की वजह से जो है आज़माइशें दुनिया में आती है राइट तो आ, इसका मतलब कि जितने हम जो है ईमान वाले होते जाएंगे और जितने जो है हम दीन का दीन के बातें सीखेंगे आगे बढ़ेंगे और दीन के लिए जो है अपनी जिंदगी लगाएंगे और जैसा जैसा हमारा ईमान इम्प्रूव होते जाएगा तो वैसा वैसा हमारी जिंदगी जो है डिफ़िकल्ट होते जाएंगी ये भी जो है एक तस्वुर रहता और इंसान जो है डरना शुरू होता अब यहाँ पर देखिए कि एक इंसान जो ईमान वाला है और एक इंसान जो कम ईमान वाला है या बिना ईमान वाला है उसमें भी मैं आप लोगों को फ़र्क बता दूं कि जो इंसान ईमान वाला रहता डेफिनेटली उसके साथ ज़्यादा आज़माइशें रहती पर यह भी बात याद रखिए कि जितना उसका मज़बूत ईमान रहता उसको उसकी आज़माइशें उतनी छोटी भी नज़र आना शुरू होती है ठीक है यानी कि ईमान तो जितना जो है इंसान का मजबूत होता है तो अल्लाह ताला क्या बताए हुए हैं कुरान के अंदर कि लायुकल्लफ़ा नफसन अल्लाह ताला इंसान के ऊपर उतनी ही जो है मुसीबत डालते हैं उतनी ही आज़माइश इंसान से लेते हैं जितनी उसकी इस्तेतात है ठीक है जितनी बर्दाश्त करने की उसकी इस्तात है उतनी ही उसके ऊपर आजमाइशें आती हैं ओके तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ये जो बात बता रहे तो इसका मतलब ये है कि इंसान के ईमान के मुताबिक जहां पर आजमाइश सख्त रहती वहां पर उसकी बर्दाश्त की कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो हमको ये बात से डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हम ज्यादा जो है ईमान में बढ़ते जाएंगे तो हमारे ऊपर आजमाइशें कठिन आएगी बल्कि हमारी जो है बर्दाश्त की सिफत यानी कि एक जो कमजोर ईमान वाला होता है या फिर जो बगैर ईमान वाला होता है उसके अल्लाह ताला का मजबूत कड़ा नहीं होता उस उस उसको जब परेशानी आती है मुसीबत आती है तो वो परेशान हो जाता रहे है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ ऐसा कैसा हो गया पर एक जो मोमिन बंदा जो जिसका ईमान स्ट्रांग होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से अजर की उम्मीद भी होती है कि अल्लाह तला मुझे जो है अजर देगा और फिर उसको जो है वो मुसीबत बहुत ही जो है आसान भी लगना शुरू हो जाती है ठीक है तो अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ जो है आ, आ, कल आ, कल क्लास के बाद जो है एक चीज़ क्लिक कर रही थी मुझे कि यहाँ पर हम देखें कि एक वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है जो कल आ, कल जो टर्म आया था ठीक है युफ का जो है कल एक टर्म आया था ठीक है यानी कि अल्लाह ताला इंसान की जो है ईमान की वजह से आजमाइश करेगा फतना का वर्ड से हम देखें गोल्ड का प्यूरिफिकेशन से हम कंपेयर करके देखें और फिर जिस तरीके से गोल्ड को प्योरीफाई किया जाता है उसी तरीके से अल्लाह तला जो है इंसान को भी उसके ईमान को चेक करने के लिए जो है अल्लाह तला उसको टेस्ट करते हैं ठीक है तो एक वर्ड कल हम देखें कि फतना उसके अलावा यहाँ पर अब और एक एक वर्ड आ गया जहदा ठीक है यानी कि जिहाद करना कोशिश करना स्ट्रगल करना अच्छा जहादा के बारे में भी जो है मैं बता दूं कि जहादा किसको कहते हैं स्ट्रगल को कहते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ पर जो है जहादा या फिर मुजाहिद जो है उस शख्स को कहेंगे जो किसी जो है मुखालफत मुखालिफ, मुखालिफ ताकत के मुकाबले में जो कोशिश करता है कश्मकश करता है जद्दोजहद करता है उसको जो है मुजाहिद बोलेंगे यानी के जहादा या मुजाहिदा किसको बोलेंगे किसी ऑपोजिट फोर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करना यानी कि एक रहता है कि आप खुद ही जो है मेहनत कर रहे कोशिश कर रहे एक है कि सामने की जो फोर्स है वो आपके खिलाफ जा रही और उसके खिलाफ आप जो मेहनत और कोशिश करते उसको जो है मुजाहिदा बोलेंगे ठीक है तो अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया मुजाहिदा एक वर्ड आ गया फतना ठीक है उसके अलावा अब जैसा फतना के अलावा जो वर्ड कुरान के अंदर इस्तेमाल होता है यानी कि आजमाइश के लिए वो जो है बलावा वर्ड इस्तेमाल होता है बा लाम वाव ठीक है जिसको जो है अक्सर हम जो है लीना ब्लू वकुम लीना ब्लू वकुम जो आ, आता वर्ड तो वो तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तीनों में जो फर्क है ठीक है वो फर्क को हम देखेंगे और उसको अपने एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग जो है समझेंगे ताकि हम जो है इसको अपनी जिंदगी में किस तरीके से प्रैक्टिकल अमल कर सके तो कल हम जो देखे थे कि फत्तना का मतलब क्या है आजमाइश के माने में इस्तेमाल किया गया अब और एक एक जो वर्ड आजमाइश के लिए इस्तेमाल होता है वो कौन सा वर्ड है नबलुवा भी जो है वर्ड इस्तेमाल होता है तो अब देखिए कि फतना और नबलुवा में क्या फर्क है फतना जो है उस आजमाइश को बोलेंगे जो इंसान को ईमान की वजह से आजमाया जाता है ईमान के लिए आजमाया जाता है ठीक है और नबलुवा जो है क्या है कि ईमान के लिए भी हो सकता है या जिंदगी के तमाम अप एंड डाउन जो भी जिंदगी के जो हालात होते हैं तो व, 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 वो वो जनरल आजमाइश को ठीक है वो जनरल आजमाइश को जो है नबलुवा कहेंगे पर फतना जो है खास ईमान की वजह से जो आजमाया जाता है जो तपाया जाता है ठीक है तो उसको जो है हम फतना जो है कहेंगे अब जिस तरीके से जो है जैसा फतना के अंदर क्या क्या आएगा भाई कि जैसा कि आपको ईमान लाने की वजह से जो है आपको कोई टॉर्चर किया जा रहा कोई फिजिकल जो है आपके ऊपर और ज्यादती हो रही या फिर आपके जो है जो बेसिक राइट्स है आपके जो इंसानियत होने के नाते जो हकूक है वो आपके इंसानियत होने के नाते के हकूक जो है आपके मारे जा रहे और आपको जो है हर जगह से आ जो है एक फियर है एक इनसेक्योरिटी है एक डर एक खौफ का जो है माहौल आपको जो है नजर आ रहा है कभी आप दाढ़ी की वजह से आपको सताया जा रहा कभी आपको बुर्खे की वजह से जो है आपको सताया जा रहा आपके सर पे से जो है आपका स्काफ जो है खींच लिया जा रहा आपको बुरी तरीके से जो है बर्ताव किया जा रहा या फिर आपको मुसलमान होने की वजह से यानी कि आप इस्लाम पे होने की वजह से मुसलमान होने की वजह से आपको जॉब से निकाला जा रहा आपके बिजनेस में लॉस हो रहा आपको बाइकऑट किया जा रहा ठीक है ये तमाम चीजें और फिर साथ में आपका जो है मजाक उड़ाया जा रहा आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा ठीक है या फिर आ, जो है आपको किसी जगह पर जो है आपको वीजा नहीं दिया जा रहा या फिर एयरपोर्ट पे आपको सताया जा रहा क्योंकि आपका नाम मुसलमान है आपके नाम के सामने मोहम्मद है या फिर आपके जो है चेहरे पर दाढ़ी है या फिर आप जो है कोई और दीन का जो है शार आप कैरी करे हुए हैं ठीक है या फिर आपको गलत के केसेस में फाया जा रहा है ये तमाम फतना में आएगा ठीक है कि आपको गलत केसेस में फंसा कर आपको जो है जेल में डाल दिया जा रहा और जेल में जो है टॉर्चर किया जा रहा या या फिर जो है खत्म कर दिया जा रहा तो ये तमाम जो है आज अगर हम देखेंगे हमारे जमाने के हिसाब से ये तमाम जो है फतना तो में आते जिसमें हम ईमान लाने की वजह तो से आजमाए जा रहे और ये ईमान लाने की वजह से जब आजमाया जाता तो अल्लाह ताला बता रहे कि इसमें साबित कदमी तुम्हारे जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट है यानी कि अगर ये तमाम हालात से अगर हम दो चार हो रहे हैं और उसमें अगर हम सबर कर रहे हैं और उसमें हम जम कर रहे हैं और उसमें हम अपने ईमान को धक्का लगने नहीं दे रहे और ईमान को बचा कर रख रहे हैं तो ये हमारी पे जन्नत की गारंटी है इसमें हमारी जो है जन्नत की सर्टिफिकेट है बाज वक्त जो है हम गैर लोगों से आजमाए जाते और बाज वक्त तो अपनी खुद सोसाइटी की सोसाइटी से अपने मुसलमान माशरे की जरिए से भी जो है हो सकता है हम आजमाए जाए यानी कि एक इंसान जो है दीनदार है नेक है और इस्लाम पर अमल करने वाला है तो तमाम लोग जो है उसको क्या कर रहे है? एक नमूना बना के आइसोलेट कर दे रहे हो उसको यानी कि उसको जो है अरे इन तो क्या है मुल्ला है ठीक है और फिर जिस तरीके से देखा जाता ना कि अगर बड़ी दाढ़ी है तो फिर उनके साथ जो है कोई रिश्ता करने के लिए भी तैयार नहीं होता हो सकता कि उसको उसकी वजह से जो है परेशानी हो लोग जो है उसका मजाक उड़ाए या फिर जो है उसकी कोई इज्जत ना हो जो है जिस तरीके से आम तौर पे जो अक्सर देखा जाता ना सोसाइटी में कि जो जितने दीनदार होते हैं या फिर अगर जो है यानी कि दाढ़ी टोपी वाले हैं कुर्ता पजामा जो है टखने से ऊंचा रखे हुए हैं तो फिर क्या है कि ऐसे लोगों को वो इज्जत नहीं मिलती जितना जो है कोट पहने हुए टाई लगाए हुए जिस तरीके से अगर है तो फिर उसको जितनी इज्जत मिलती है तो दाढ़ी टोपी और कुर्ते पैजामे में या फिर जो है टखनों से ऊंचा पहने हुए तो उनको वो इज्जत नहीं मिलती तो ये आज हमारी सोसाइटी में ये माहौल है हालांकि क्या है कि इज्जत देने वाला तो खैर अल्लाह ता है अल्लाह ऐसी जो है बेहतरीन तरीके से अल्लाह तला जो है इज्जत दोनों जहां में अता करने वाला है पर लोगों का जो नजरिया है लोगों की जो जहनीत है जो सोच है तो वो ये है कि क्या बोला जाता आम तौर पे हमारे माशरे में क्या बोला जाता अरे जितनी दाढ़ी रहती बड़ी उतने ही ज्यादा बदमाश रहते उतने ही ज्यादा जो है खराब रहते ये सोच जो है गलत लोग हमारे माशरे में डाल दिए हुए हैं और हम वो सोच लेकर जो है हम भी आगे वही अपनी जबानों से निकालते और बाज़ वक्त रियलाइज भी नहीं करते कि हम कितनी गलत बात अपनी जबानों से कह रहे हैं तो जितने जो है आलिम रहते जितने ये जो मदरसे वाले रहते ये मस्जिदों के मुलाय रहते या जो भी इस तरीके से रहते उतने ही जो है बदखलाक रहते या उन्होंने ही खराब रहते या उन्हों उतने ही बदमाश रहते ये आमतौर पर हम अपनी जबानों से बगैर सोचे समझे निकालते हैं हालांकि ये जो है हकीकत तो से इसका ताल्लुक नहीं है कुछ चंद लोग लोगों के अमल से हम जनरलाइज जो है पूरा को नहीं कर सकते तो फिर बहरहाल ईमान की वजह से जैसा अगर हम जो है दीनदार हुए तो लोग क्या है हमारे से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते लोग बोलते हाँ इन्हों क्या बोरिंग है इन्हो जो है ये नको करो बोलते वो नको करो बोलते इससे रोकते उससे रोकते ठीक है या फिर जो है यानी कि रस्म और रिवाज नहीं करते कोई भी रसूमात जो है नहीं करते अब क्या है कि मजाक अब आता जरा ढोल ताशे रहे म्यूजिक रही गाना बजाना रहा और फिर जो है जरा अलग अलग किस्म के जो है रसुमत रहे फिर जरा उंगली पकड़ने की भी रस्म हुई फिर उसमें ठीठी ठाटा हंसी मजाक रहा तो फिर क्या है वो जरा शादी अच्छी दिखती वो सब जो है मजा आता अब दीनदार हैं और फिर आ, जो है ये नहीं वो नहीं आ, करो बोलने वाले अगर है तो फिर उन बोरिंग हो जाते और उनको जो है सब लोग जो है बाइकआउट कर देते और उनको एक तरफ जो है ढकेल देते तो ये भी ईमान की वजह से अगर आपकी इस तरीके से आजमाइरी तो ये भी फतना है क्योंकि वहां पर जब आप पूरे लोगों से ट कर बुराई से दूर रहकर आप जब अकेले हो जाते हैं तो फिर वहां पर हमको जो है समझ में आता कि वो कितनी जो है हमारी आजमाइश है तो वो अगर हम आजमाइश से गुजर रहे हैं, हैं। और जिस तरीके से जैसा है ना कि अगर आपके पूरी जो है फैमिली है कोई गलत जगह पर जा रही है और आप अकेले घर में बैठे हुए हैं वो गलत जगह पर आप नहीं गए हो सकता कोई थिएटर हो हो सकता कोई बर्थडे पार्टीज हो हो सकता जो है कोई ऐसी फन की जगह है जहां पर जो है जेंट्स सोलह लेडीज़ मिले हुए हैं तो आप जो है घर में बैठे हुए हैं और आप नहीं गए तो यहाँ पर ये जो है दिखने में बात जो है दिखने में जो है हो सकता मामूली दिखरी छोटी दिखरी पर जब रह जाते हम पीछे तो हमारे जो जो फीलिंग्स पर जो है यानी कि जर पड़ती है तो ये भी क्या है हम इसको फत्तना में लेंगे इसको आजमाइश में लेंगे और ये आजमाइश जो है हमारी ईमान को साबित करने के लिए होगी और ये हमारी जन्नत की गारंटी हमको दिलाएगी यानी कि वो जो सबर कर रहे वो जो गलत जगहों पर जाने से हम अपने आप को रोक रहे गलत चीजें करने से हम अपने आप को रोक रहे तो ये चीज जो है हमारे को हमारी जन्नत की जो है सर्टिफिकेट हमको दिलाएगी तो यहां पर हमको क्या करना है कि फत्तना के से जब हम दो चार होंगे और उसमें जब हम साबित कदम रहेंगे तो उसका बदला जन्नत है ठीक है उसके अलावा अब अगर हम उसके जो है अच्छा हम लोगों की जो है आयत नंबर सिक्स और सिक्स के बैकग्राउंड में हम लोग जो है ये कंपैरिजन देख रहे हैं ठीक है तो अब आ, उसके अलावा जो है अगर हम देखेंगे कि नबलुआ अगर हम देखेंगे यानी कि जिंदगी में जो है अब ये कल मैं आप लोगों को बताई थी ना कि जिंदगी में अप एंड डाउन जो है मुसलमान के साथ भी रहते काफिर के साथ भी रहते हर किसी को जिंदगी में अलग अलग हालात से दो चार होना पड़ता पर मुसलमान मोमिनों मु के साथ एक खासियत अल्लाह तला ने ये रखी है कि अगर उसको सुई भी चुभती है एक छोटा सा मार भी अगर उसको लगता है तो वो उसके लिए अजर का बाज बनता है अगर वो उसके ऊपर सबर करता है अब यहाँ पर सबर का मतलब क्या है कि फिर से जो है यानी कि वो चीज पर जम जाना तो अब इंसान जो है अलग अलग अप एंड डाउन से आजमाया जाएगा सेहत और बीमारी से आजमाया जाएगा पैसों से आजमाया जाएगा कोई भी जो है खौफ और गम से जो है आजमाया जाएगा बिजनेस के लॉस से या फिर जो है खाने पीने के लॉस से जो है आजमाया जाएगा किसी की मौत हो जाएगी उसके पास उससे जो है पेरेंट्स की मौत है या फिर बच्चों की मौत है या कोई रिश्तेदारों की मौत है तो उसकी वजह से आजमाया जाएगा या रिलेशनशिप की वजह से आजमाया जाएगा यानी कि रिलेशनशिप की वजह से का मतलब क्या है कि थोड़े से जो है अलग खतरनाक किस्म के जो है मियाँ मिल जाते किसी को किसी को जो है बहुत जो है चैलेंजिंग बच्चे मिल जाते किसी के पेरेंट्स जो है अलग मिजाज के रहते ठीक है तो ये जो है यानी कि आपके रिश्तेदार की वजह से जो है आपको आजमाइश में अल्लाह ताला जो है मुब्तला कर सकते हैं और नेकी और गुनाह के जरिए से क्योंकि नेकी जो है करना डिफिकल्ट है राइट और गुनाह करना जो है बहुत अट्रेक्टिव है और बहुत आसान है तो उसकी वजह से भी जो है अल्लाह तला इंसान को आजमाएंगे यानी कि जिंदगी में हर हालात उसके साथ आने वाले रहेंगे पर मोमिन का हाल क्या रहेगा कि काफिर के बनिस्बत मोमिन जो है अजर की उम्मीद से अपने दीन पर जमा रहेगा साबित कदम रहेगा सबर करेगा अल्लाह ताला से जो है दुआ करेगा अल्लाह से जो है सहारा मांगेगा मदद मांगेगा तो फिर अल्लाह ताला जो है ये सबर के बदले फिर अल्लाह ताला जो है उसको जन्नत की बशारत बशर खबरीन जो अल्लाह ताला बताते हैं कि और बशारत दे दो सबर करने वालों को यहाँ पर जो है जब इंसान को आजमाया जाता है ये जिंदगी दगी के हालात से तो वो ये ना पूछे कि वाई मी मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा अल्लाह ताला ये हालात तो हर एक इंसान के साथ होने वाले हैं हमारे इम, हम चाहे मोमिन रहो चाहे मोमिन ना रहो काफिर रहो तो भी अल्लाह ताला हर एक इंसान के साथ आजमाइशें हैं पर हम जो है अगर उसमें साबित कदम रहेंगे तो हमारे लिए तरफ से अजर का वादा है तीसरा हम यहाँ पर जो खास बात ये जो है आयतों में हम देखे वो ये है कि हम जाहदा के बारे में भी पढ़े यानी कि जाहदा मुजाहिदा अभी मैं आप लोगों को बताई कि जो अल्लाह ताला के खातिर जो स्ट्रगल किया जाता है ठीक है तो वो जो है उसको जो है हम मुजाहिदा बोलेंगे अब मुजाहिदा जो है किस किस तरीके से हो सकता है मुजाहिदा जो है इंसान अपने नफ्स के अगेंस्ट जो है करना है उसको यानी कि दिल बहुत कुछ चाहेगा ख्वाहिशात बहुत कुछ चाहेंगे पर वो जब अपने आप की यानी कि वो जो ख्वाहिशात का जो फोर्स है ठीक है अभी देखे ना मुजाहिदा का मतलब क्या है कोई फोर्स के अगेंस्ट हम जो है काम करना है तो हमारी जो ख्वाहिश बोलेंगी कि ये काम करो वो काम करो ठीक है यानी कि गलत कामों की तरफ उकसाएगा पर हमार को वो नफ्स के खिलाफ लड़ना है तो ये है हमारा जिहाद ठीक है दूसरा ये है कि शैतान वसव से डालेगा उसके खिलाफ लड़ना है तीसरा ये है कि सोसाइटी जो है हमारे को बहुत सारी चीजों की तरफ उकसाएगी और बोलेगी कि भाई ये तुम ये चीजें करेंगे तो तुम एक्सेप्टेड है हमारी सोसाइटी में वरना फिर तुम्हारा जो है एलियन की तरह जो है या अनवॉन्टेड जो है की तरह जो है कंसिडर किया जाएगा तो सोसाइटी के अलग अलग तकाजे रहेंगे कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए वो चीज ऐसी होनी चाहिए तो जो है सोसाइटी में हम जो है अपने आप को कैरी करने के लिए हम अगर, अगर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर ये जो है मुजाहिदा के और और अगेंस्ट होगा यानी कि सोसाइटी के तकाजों के अगेंस्ट जो अल्लाह के खिलाफ जाने वाली है ठीक है वो वाले चीजें बता रही तो वो उसके अगेंस्ट हमारा जो है मुजाहिदा हमको करना है बाज वक्त फैमिली के जो है जरिए से जो है अलग अलग डिमांड्स आती हैं फैमिली की तरफ से गलत तक आते हैं उसके अगेंस्ट जो है हम आपको मुजाहिदा करने का है अब और फिर क्या है कि दीन की तबलीग के लिए हमको जब उठ के खड़े होंगे तो काफी हमको उसमें मेहनत और कोशिश करना है दावा के काम के लिए कुरान और इस्लाम को जो है प्रोपोगेट करने के लिए कुरान को सीखने और सिखाने के लिए कुरान के ऊपर अमल करने के लिए यानी कि कुरान के ऊपर अमल करना इतना आसान नहीं है काफी उसके अंदर जो है जद्दोजहद ज़्द हमारी लगेगी काफी स्ट्रगल लगेगा और ये तमाम चीजों में सबर और साबित कदम रहकर जो है हम जिंदगी जिंदगी जो हमारी गुजारेंगे तो ये जो है मुजाहिदा है और इसका बदला हमारे ही लिए फायदेमंद है यानी कि हम जो है अल्लाह ताला के ऊपर कोई एहसान नहीं करें बल्कि इसका जो है हमारे ऊपर ही जो है अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ही जो है अजर रहेगा ठीक है तो ये तीन जो है टर्म्स थे जो मैं आप लोगों को जो है क्लियर करके बताना चाह रही थी ताकि कोई जो है कन्फ्यूजन ना रहे और फिर हम जब जिंदगी में ऐसे हालात से जब हम दो चार होते हैं तो फिर हम उसके ऊपर जो है आ, सबर करें और ये सोचे कि भाई ये मेरी ईमान की वजह से आजमाया जा रहा है जैसा साहबा को आजमाया गया था तो ये मेरी जिंदगी का फतना है इसके ऊपर मेरे को सबर करना है जैसा खब्बा बिन अर्थ ने किया था जैसा बिलाल रजत ने किया था तो मे को वैसे ही सबर करने का है और अपने ईमान को अल्लाह के नजदीक साबित करने का है फिर जिंदगी के जो अभी अप एंड डाउन आएंगे तो उसके ऊपर भी सबर करके अल्लाह से अजर लेने का है और अपनी जिंदगी को जो है अल्लाह की राह में जो है मुजाहिदा करने के लिए लगाने का है ठीक है तो ये तीनों चीजें थे फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर बताते हैं कि और जो है अल्लाह ताला यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है और जो लोग ईमान लाएगा लाएंगे और नेक आमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे अब यहाँ पर देखिए कि एक बात गौर करने की यह है कि जो है आ, आयत नंबर सेवन में अल्लाह ताला, ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग ईमान लेकर आए ठीक है यानी कि अब इमेजिन करिए बैकग्राउंड आप इमेजिन करिए ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की सूरत है राइट इब्तदाई दौर यानी कि दरमियानी दौर की सूरत है फिफ्थ नबवी के अराउंड जो है ये सूरत है तो अब वहां पर अभी ईमान लाने की बात समझ में आ गई जो लोग ईमान लाए और अमिल व हुआ अमीलिहात और नेक अमल करें अब यहाँ पर यह है कि नेक अमल किसको बोल रहे अल्लाह ताला क्योंकि अभी यहाँ पर ना नमाज फर्ज हुई ना जकवात फर्ज हुआ ना रोजा फर्ज हुआ ना जो है हज फर्ज हुआ कोई चीज अभी जो है फर्ज नहीं हुई और फिर अल्लाह ताला की अभी शरीयत नाजिल नहीं हुई तो अब यहाँ पर देखे कि अमीलोसलिहात ईमान लाने के बाद जो मुजाहिदा की जो बात हुई थी आयत नंबर सिक्स में उसी को यहां पर कहा जा रहा है यानी कि जो इस ईमान के खातिर जो आपको तकलीफें पहुंचाई जा रही है उसके ऊपर सबर करना वो जो है जिहाद है क्या है उसके ऊपर अब यहां पर देखिए कि आयत नंबर सिक्स में जो जाहदा का वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये मक्की दौर का सुरा है और मक्की के वो दौर में कोई जिहाद का यानी कि तस्वर भी नहीं था जैसा जंग जिहाद का मतलब जो हम जंग में लेते हैं तो वो जो है वहां पर तस्वुर भी नहीं था तो यहाँ पर जो जिहाद जो साहब इकराम कर रहे थे वो ये था कि नबी करीम सल्लाम को फॉलो करते हुए जो सबर कर रहे थे ये अपने हाथ को रोके हुए जो थे उसको जिहाद बोल रहे अल्लाह ताला। यानी कि एक जिहाद ये होता है जिसमें तलवार उठाकर आप सामने वाले से जंग करते हैं और एक जिहाद ये होता है जिसमें आप अपने हाथ रोक कर जो है जिहाद करते हैं ठीक है समझ में आ रहा जिसमें आप हाथ रोक कर क्योंकि क्या है कि देखिए कि फितरत इंसान की ऐसी होती है कि जब सामने वाला आपको मारता है तो फितरत का तक यह है कि खुद ब खुद इंसान रिटालिएट करता है खुद ब खुद जो है उसका हाथ उठ जाता है वो बदला लेना चाहता है उसके दिल में जो है ये उसको बदले की जो है एहसास उसके दिल में जो है पैदा होता है यानी कि अब मेरे को किसी भी हाल में जो है बदला लेना है तो अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए जो हुक्म है कि कुफ आई कि तुम अपने हाथों को रोक रखो तो ये हाथों को रोकना यहाँ पर जिहाद है समझ में आ रहा ये हाथों को जो रोकना है ये जो सबर करना है ये जो है अल्लाह ताला तहाँ पर उसको टर्म क्या इस्तेमाल किया गया किया गया है जिहाद का टर्म और यही अमील्सिहात है यानी कि ये जो नबी को तुम फॉलो कर रहे और फॉलो करते हुए जो तुम अपने हाथ को रोके हुए हैं और सबर कर रहे ये तुम्हारे तमाम क्या है अमीलोसौलिहात है और इसकी वजह से जो है तुम्हारी बुराइयों को जो है अल्लाह ताला दूर कर देंगे यानी कि अब तक जो भी बुराई हुए थे लनुक फिर अब लाम और नून ने मुश्दत का इजाफा हो गया देखिए कि अल्लाह ताला तलबत् जरूर तुम्हारी गुनाहों को तुम्हारे से बुराओं को जो अब तक जो ला में यानी कि इस्लाम लाने से पहले जो भी बुराया तुम्हारे से हो गए थे वो उसको अल्लाह ताला दूर करेगा और जो है वलनजियम और अलबत् जरूर तुमको बदला देगा कह अहसन लदीना कानू यामल उनके जो भी तुमने अमल किया है उसमें से बेहतरीन अमल तुम्हारे को जो है बेहतरीन जजा तुम्हारे को अल्लाह तला की तरफ से मिलेगी अब देखिये इसका क्या मतलब है दो माने इसके बनते हैं अहसन कानल उनके मतलब ये है कि अल्लाह तला जो है जितने भी तुम अमाल करेंगे उसका सबसे बेस्ट अमल अल्लाह आखिरत में लेंगे और उस वो सबसे बेस्ट अमल की बुनियाद पर तमाम अमाल का अजर दिया जाएगा अल्लाह अब देखिये बाज वक्त हमारी नमाज बहुत अच्छी रहती बस वो खत हमारी नमाज जो है ऐसी ऐसी उतनी खास नहीं रहती तो अल्लाह ताला तलामत में क्या करेंगे सबसे बेस्ट वाली जो नमाज है हमारी जिंदगी की वो लेकर बाकी के तमाम नमाजों को भी जो है वैसी अजर देंगे सुबहान अल्लाह कितना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से जो है अजर है देखिए या फिर इसका दूसरा और एक भी मतलब ये होगा हो कि अल्लाह ताला हर आमाल का जो है बेहतरीन अजर हमको जो है अता करेंगे अच्छा अब यहाँ पर जो है आयत नंबर एट हम लोग इन पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है उससे पहले मैं एक एक, एक जो है अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगी कि फोर्टी मिनट्स के बाद हो सकता कि मीटिंग डिसकनेक्ट हो जाए ठीक है क्योंकि आज आ, जो है रिचार्ज नहीं हुआ हुआ है आ, तो डिस्कनेक्ट हो सकता आ, तो आप लोग ये करिए कि अगर इनकेस डिसकनेक्ट हुआ तो फिर से आपको तीनों आई के ज़रिए से आपको लॉग इन करना पड़ेगा अगर इन इनकेसो आई डीज नहीं चल रहे तो फिर मैं आप लोगों को जो है नई आईडी इनशाला तो चलिए कंटिन्यू करेंगे तो बिस्मिल है वसिना बी वाली दहीसना के अल्लाह ताला ने हमने इंसान को हिदायत की है कि अपने वाले के साथ नेक सलूक करे क्या अल्लाह ताला ने हिदायत दी है इंसानों को कि अपने वाले के साथ कैसा करना है नेक सुलूक करने का यानी कि अल्लाह ताला हर एक जो है ये जनरल अल्लाह ताला बता दिए हुए अब इससे पहले पहले भी हम लोग इससे बनी इसराइल में हम लोग पढ़े थे सिमिलर आयत और फिर जो है सूर्य अनाम में हम लोग पढ़े थे पर अब यहाँ पर अल्लाह ताला फिर से यही बता रहे कि हमने वसीयत कर दी है यानी कि वसीयत अहम अहम नसीहत को जो है वसीयत कहते हैं बहुत ही अहम नसीहत को वसीयत कहते हैं जो इंसान जुदा होने से पहले किसी को करता है तो अब यहां पर अल्लाह ताला हमको क्या नसीहत कर रहे हैं अहम नसीहत कि अपने वालदेन के साथ एहसान का मामला करने का है खूबसूरत मामला हसना हुसन से है हसीन से है खूबसूरती से है यानी कि आप अपने वालदेन के साथ बात करे तो खूबसूरत करना है बिहेव करे तो खूबसूरत करना है जवाब दे रहे तो खूबसूरत करना है खिदमत कर रहे तो खूबसूरत करना है या फिर जो भी मामला है उनके साथ आप उनको जो है कोई गिफ्ट दे रहे तो खूबसूरत देने का है तो हर चीज जो है खूबसूरत होना ये जरूरी है चाहे वो वालदेन मोमिन हो या काफिर हो ठीक है यानी कि मोमिन वालेदेन के साथ भी खूबसूरत मामला करना है और काफिर वालेन के साथ भी खूबसूरत मामला करना है तो अब यहां पर देखिए कि मोमिन और काफिर वालदे के साथ के बारे में बताया जा रहा है तो अब इसका इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम अपने वालदेन के साथ कोई बदतमीजी का जो है कोई एक अमल भी कर सकें अब ये जो आयत है वो एक्चुअली सात बिन अबी वकास रजत के बैकग्राउंड में नाजिल होती है और ये है कि सात बिन अभी वकास जो है नौजवान साहबी थे तो उन तकरीबन जो है उन्होंने अपने टीन एज में यानी कि अठारह उन्नीस साल के दरमियान जो है उन्होंने ईमान कबूल किया था और उनके जो है वालिद का इंतकाल हो गया था सिर्फ वालदा थी और वालदा उनकी जो है परवरिश करते थे ठीक है तो अब ये जो है उन्होंने बहुत ज्यादा अपने वालदा से जो है बहुत ज्यादा क्लोज थे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे अब सोचिए कि दोनों वालदे में से एक ही जिंदा है तो अब डेफिनेटली पूरी हमारी मोहब्बत और पूरा हमारा जो मोहब्बत का जो मरकज है वो हमारा जो है एक जो भी है उन बन जाते उसके अलावा खास तौर पर वाले और वालदा से कंपेयर अगर करेंगे तो वालदा से ज्यादा जो है बच्चे क्लोज होते हैं तो एक फितरी अल्लाह तला ने वो मोहब्बत रखी है तो अब यहां पर उनकी वालदा से उन्होंने बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे अब ये हुआ कि जब उन्होंने ईमान कबूल कर लिया तो उनकी जो वालदा है उन्होंने ये कसम खा बैठे कि अगर जो है साध जब तक इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे आप जब तक जो है मैं ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी ना कोई साय में जो है बैठूंगी और फिर जो है ऐसी धूप में यानी कि आप सोचे कि उन्होंने जो यानी कि कसम जो खा लिए थे कि ना खाना खाएंगे ना पानी पियेंगे और ना साब में बैठेंगे यानी कि धूप में ही खड़े हुए रहेंगे तो इतनी जो है खतरनाक जब उन्होंने कसम खा लिए तो सात बिन अबी जो है परेशान हो गए कि अब अब ये सिचुएशन में जो है मैं क्या करूं क्योंकि एक तो मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी और फिर देखिए कि जब उनकी यानी कि सात बिन अबी जो हमारे अशरम मुबशरा में से भी है तो उनकी इतनी ज्यादा सलीम फितरत थी कि इस्लाम आते साथ ही उन्होंने कबूल कर लिया यानी कि उनका दिल बहुत ही जो है यानी कि खूबसूरत था तो अब इतना खूबसूरत और नरम दिल वाला जो इंसान है तो वो वैसे भी जो है अपनी माँ से जो है बहुत ज्यादा फिर वो रेस्पेक्ट करेगा इज्जत करेगा और फिर जो है उनके हुकूक अदा करने की कोशिश करेगा और इस्लाम की भी तालीमत यही है कि अपने वालदेन के साथ अच्छा मामला करो अब उनकी वालदा जो है उनको ये भी इमोशनली जो है ब्लैकमेल कर कर रहे थे या फिर जो है वो जमाने में ऐसे कई जो है वाकियात हुए थे कि जिसमें उन्होंने बोले कि भाई तुम जो दीन कबूल करे उसमें तुम बोल रहे कि अच्छे तालीमत जो है बताए जा रहे हैं सही तालीम जो है बताए जा रहे हैं अपने वाले देन के साथ उसने सलूक करने का तो फिर आ, जो है तुम आ, तुमको तो फिर चाहिए था कि तुम आ, हमारी जो है फर्मा बरदारी करो तो अब तुमको फर्मा बरदारी का तक ये है कि तुम जो है अपने इस्लाम को जो है यानी कि छोड़ दो और फिर वरना फिर जो है मैं इस तरीके से काम मैं इस तरीके से जो है भूखी प्यासी ही मर जाऊंगी तो ये इस तरीके से जब उन्होंने कहा तो फिर साद रजा परेशान हुए और उन्होंने ये सोचे कि किस तरीके से फिर आ, मामला हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाई और फिर अल्लाह ताला ने जो है यहाँ पर गाइडेंस अता कर दी कि क्या है कि वालदेन के साथ आपको जो है नेक सलूक करने का है अच्छा मामला करने का है पर अगर जो है लेकिन अगर वो देख सकते लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता तो उनकी इतात ना कर मेरी आ, मेरी ही आ, मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्या करते रहे थे तो अब यहाँ पर अल्लाह तला जो है फिर एक आ, जो है मुस्तना चीज बता दिए एक एक्सेप्शन बता दिए अल्लाह त हर मामले में वालदेन की इतात और फरमावरदारी करना है सिवा ये कि अगर वो शिरक करो बोल रहे या फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी करो बोल रहे तो फिर वो टाइम पर उनकी बात नहीं माना यानी कि सिर्फ वो एक वाली बात नहीं मानने का है इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने जो है तो मुशरक है या शिरक करो बोल रहे तो फिर आप ये कंसिडर कर लो कि हाँ हमारे हमारे जो है वालदेन तो मुशरक है या हमारे वालदेन जो है अल्लाह के नाफरमान है तो लिहाजा हम क्या है कि उनकी दूसरी कोई भी बात नहीं मानेंगे उनकी इज्जत भी नहीं करेंगे तो यहाँ पर अल्लाह तला बता

जायज नहीं है जहां पर अल्लाह ताला की जो है नाफरमानी होती है तो आ, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एक ही चीज में जो है हम उनकी बात नहीं सुनेंगे बाकी के तमाम चीजों में सुनेंगे इसके बावजूद भी कि वो मुश्किल हैं तो जिस तरीके से जो है अब जैसा अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में भी जो है आप लोग जानते हैं ना कि अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिन का जो सरदार था सख्त जो है इस्लाम का दुश्मन था ज़ाहरी तौर पर मुसलमान था पर दिल में जो है इस्लाम का दुश्मन था तो फिर उनके जो बेटे थे अब्दुल्ला उन्होंने जो है ईमान पक्के मोमिन थे उन्होंने जो है पक्के ईमान वाले थे तो जब जो है एक मर्तबा जब अब्दुल्ला बिन अबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में कोई गलत बात कहता है जो कुछ बुरी बात कह देता है तो उनके बेटे को इतना गुस्सा आता कि उन्हों जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बोलते कि अल्लाह के रसूल आप बस हुकुम दीजिए कि जो है अगर आप हुकुम देंगे तो मैं जो है इनकी जो है सर को उनके जिसम से जो है अलग कर दूंगा उनकी गर्दन उड़ा दूंगा यानी कि इतना ज्यादा उनको आप अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और फिर उन्होंने जो है आपकी जब इजाजत मांगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि नहीं अब्दुल्ला तुमको जो है अपने के साथ जो है हुसन सलूक ही करने का है अच्छे से जो है उनसे मामला करने का है उनको उनके हाल पे छोड़ दो यानी कि अब सोचिए कि अब्दुल्ला उबई जो आप सल्लाह के खिलाफ दीन के खिलाफ जो है बुरी बातें कह रहा है समझो कि भाई गालियाँ दे रहा है गालियां बक रहा है, तो उसके बावजूद भी आप अल्लाह अल्लाह के रसूल क्या हुक्म दे रहे उनको सहाबी को कि तुम फिर भी उनके साथ क्या करना है अच्छा मामला करने का है तो अब देखिए कि जब ऐसी इतनी बड़ी बात जब आ गई तो अब यहां पर इससे ये समझ में आता है कि हमको कोई जो है गुंजाइश नहीं है वालदेन के साथ बदतमीजी करने की अक्सर जो है जैसा वालदेन के बारे में अगर कभी किसी को नसीहत करें तो वो लोग कहते हैं कि भाई नहीं मेरा जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा यूनिक है हमारे हमारे पेरेंट्स जो है हर आम पेरेंट्स के जैसा नहीं है ठीक है मेरे अम्मी थोड़े से जो है बहुत ही अलग है मेरे अब्बू अलग है अब उनके साथ तो हम जो है अच्छे से नहीं रह सकते उनके साथ बदतमीजी की जो है आ, समझते कि गुंजाइश है पर देखिए कि यहाँ पर कोई बदतमीजी की इजाज़त आपको नहीं है चाहे आपके पेरेंट्स कितने ही बुरे क्यों ना हो कितने ही आ, आपके आपके साथ बुराई करने वाले हो आपके साथ जो है गलत करने वाले हो या फिर जो है दीन के खिलाफ जाने वाले हो दीन के ऊपर अमल नहीं करने वाले हो पर हम जो है हम आपको ये इजाज़त नहीं है क्योंकि इब्राहिम अल्लाम को देखिए कि इब्राहिम अल्लाम जो शिर्क से इतनी नफरत करने वाले जो नबी हैं जो जाकर जो है वो बुतों को जब तोड़ने जब गए ना तो पूरे चुकना चूर कर दिए वो बुतों को राइट तो इतना जो नफरत करने वाले शिर्क से नफरत करने वाले जब उन्होंने अपने बाप से बात करते हैं तो कैसा बात करते हैं या अबती ए मेरे प्यारे या अभी ने बोल रहे अभी का मतलब क्या है यानी कि नॉर्मल जैसा जो है डैड बोल रहे हैं ठीक है तो जो है अब जैसा फादर बोल रहे हैं। पर या अबती का मतलब जो है मोहब्बत से जब मुखातब करते हैं तो या अबती कहते हैं जिसमें ए माई जो है ओ माई बिलव्ड फादर जैसा मतलब होता है मेरे प्यारे अब्बा जान तो इस तरीके का मतलब होता है तो उन्होंने उनसे हमेशा क्या साबित है या अबती का जो है वर्ड साबित है तो मोहब्बत से प्यार से जो है बात यहाँ पर कर रहे हैं तो अब यहां पर सात बिन अभी वजह को भी अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे कि अगर तुम्हारी माँ इस तरीके की नजर माने हुए हैं तो फिर इसमें तुम आपको उनकी बात नहीं सुनने का है पर साथ में डांटना डपटना नहीं है बल्कि साथ में मोहब्बत से समझाना है अम्मी जान खा लीजिए पी लीजिए जो भी है इस तरीके से जो है क्योंकि क्या है कि पेरेंट्स जो है अक्सर बाज वक्त ऐसा होता कि हम ऐसी क्रिटिकल पोजिशन में रहते कि पेरेंट्स हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके गलत काम करने की तरफ उकसा सकते हैं ठीक है तो यानी कि बुराई की तरफ उकसा सकते हैं गलत काम करने की तरफ उकसा सकते हैं तो वहां पर गलत काम में हम अपने पेरेंट्स का साथ नहीं देना है क्योंकि क्या है कि अब खासतौर पर माँ से मोहब्बत रहती है और फिर क्या है माओ को जो है जरा ब्लैक मेल करने का तरीका भी जो है जबरदस्त आता है अल्लाह तला दिए हुए हैं औरतों के अंदर ये सिफत ठीक है तो अच्छा जो नौ महीने में पाली और फिर जो मैं तुमको पाल पोस के बड़ा करी जो रातों में तुम्हारे लिए जागे जो तो हम जो है तुम्हारे लिए इतनी मेहनतें करे अच्छा आज तुम हम आपको ये सिला दे रहे आज ये देखना पड़ रहा हमारे तो ये जो है इमोशनल खतरनाक डायलॉग्स मार मार के जो है ये क्या बोलते हैं गलत की तरफ अगर उकसा रहे हैं तो फिर जो है हमको बात नहीं मानने का चाहे उन्होंने कुछ भी आ, बात बोल लो ठीक है तो फिर जिस तरीके से हो सकता है कि भाई आपको बे, बेहिजाबी की तरफ आपको बोल रहे आपको दाढ़ी कटाने के लिए बोल रहे आपको हराम जो है कोई गलत काम करने के लिए बोल रहे कोई जो है जुलम और ज्यादती में आपका साथ दे रहे है। अब जैसा होता ना कि फॉर एग्जाम्पल जो है कोई सास अपनी जो है बहू के ऊपर कोई ज्यादती कर रही और ये एक्सपेक्ट कर रही कि भाई उसकी बेटी भी जो है उसका साथ दे तो यहां पर ऐसे गलत काम में जुल्म और ज्यादती में या फिर जो है सास अपनी बहू पे जुल्म कर ली और एक्सपेक्ट कर रही के बेटा यानी कि उसका शोहर जो है आ, आ, वो लड़की का जो बहू का जो शोहर है यानी कि बेटा उन्हें जो है अपनी माँ का साथ देना अपनी बीवी का साथ नहीं देना तो ये भी जो है गलत है ठीक है या फिर जो है सूद है इंटरेस्ट पे जो है कोई चीज लेने के लिए बोला जा रहा है या फिर जैसा होता है ना कि लोन्स लेकर एजुकेशन जो है हासिल करना या फिर जो है जैसा बाहर जैसा जा, जाना है कि कोई अमेरिका जाना है कनाडा जाना है तो वहां पर लोन लेना पड़ता है या कुछ भी इस तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड अगर लोन लेने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है अपने घर से तो फिर उसके ऊपर भी जो है हमको नहीं सुनने का है। और फिर बाज गलत रिश्तों पर भी जो है आपको फोर्स किया जा सकता जैसा है कि भाई आप आप चाह रहे कि नेक सॉले लड़की आपकी प्रायोरिटी रहे और फिर जो है या फिर लड़का जो है नेक रहे तो परस्त रहे और फिर जो है दीनदार रहे और फिर आपके पेरेंट्स का आपके घर वालों का तकाजा ये है कि आप ऐसे लड़के से शादी करो या ऐसी लड़की से शादी करो जिसकी जो है अच्छी यानी कि इनकम अच्छी हो या खूबसूरती की बिना पर सलेक्शन हो रहा हो तो यहां पर हम फिर क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से ये तमाम चीजों में उनको बताएंगे समझ जाएंगे गलत चीजों का जो है हम फॉलो नहीं करेंगे साथ में इसमें फिर जनरली आ गया शिरक आ गया बिदतें आ गया रसुमा आ गए गलत तौर तरी, और तरीके आ गए तो ये तमाम चीजों में हम जो है फैमिली जो है हमारा रीजन नहीं रहना है अल्लाह तला की नाफरमानी करने में तो देखिये एक जगह पहला हम पढ़े थे फर्स्ट वाला फिजिकल टॉर्चर पढ़े थे अपन जहां पर जो है साहबा इकराम को टॉर्चर किया जा रहा अब यहाँ पर ये जो सेकंड हम ये पढ़ रहे ये जो है साइकोलॉजिकल टॉर्चर है यानी कि इमोशनली आपको टॉर्चर किया जा रहा है ये इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा तो ये इस तरीके से भी जो है आपको दीन से इस्लाम से जो है रोकने की कोशिश की जा सकती है पर इसमें भी आपको साबित कदम रहना है और आगे जो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है सोशल टॉर्चर किस तरीके से जो है सोशल प्रेशर आपके ऊपर पड़ सकता है इस्लाम को छोड़ने के लिए बहरहाल ये तीनों तरीके में हमको क्या करना है साबित कदम रहना है तो अब यहां पर अल्लाह ताला क्या बता रहे के वदेन से बहुत अच्छा सलूक करने का है बहुत अच्छे से जो है उनके साथ बर्ताव करना है पर अगर उन्होंने जो है अल्लाह की नाफरमानी का काम बोले शिरक और बिदतों का काम बोले गलत चीजों का काम बोले तो वो काम में जो है हम उनसे उनकी बात नहीं मानेंगे पर बात नहीं मानने का मतलब ये नहीं कि झिड़क कर बोलेंगे बल्कि बल्कि उसमें भी जो है बहुत ही प्यार मोहब्बत से उनको समझाएंगे और जिन्होंने और जो लोग ईमान लाए हों और जिन्होंने नेक आमाल किए हों Uh, किए होंगे उनको हम जरूर सॉलिहन में दाखिल करेंगे तब यहाँ यहां पर अल्लाह ताला बता रहे कि इनका अजर क्या है के इनको इनके अमाल की वजह से और ईमान की वजह से और अमाल की वजह से सालिहन में दाखिल किया जाएगा कहाँ पर सालहीन में दाखिल किया जाएगा एक तो मतलब है कि आखिरत में राइट कि आखिरत में नेकों कार लोगों में जो है हमारा शुमार होगा साहबा के दरमियान अलिया के दरमियान अम्बिया के दरमियान अल्लाह तो है हमारे सेक्रीफाइज और ईमान की बिना पर हमको उनका साथ अल्लाह तला नसीब करेंगे और ये बहुत बड़ा साथ है यानी कि आखिरत में अल्लाह अल्लाह के रसूल की जो है अल्लाह के अंबिया की अल्लाह के जो है सिद्दीन शौदा सॉलिन की रफाकत मिले और बुजुर्गान दीन की रफाकत मिलना ये बहुत बड़ी जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इनाम रहे इनाम है और ये जो है अल्लाह ताला एक का मतलब क्या है एक आखिरत में है ठीक है दूसरा जो है यहाँ पर और एक, एक भी ये मतलब होता है कि दुनिया में भी जो है अल्लाह ताला उनको सॉलिन में जो है शामिल करेंगे यानी कि दुनिया में उनको अच्छी कंपनी अल्लाह ताला अता करेंगे ठीक है दुनिया में क्या करेंगे अल्लाह ताला उनको अच्छी कंपनी अच्छे दोस्त अल्लाह तला ता करेंगे ऐसी कंपनी जो उनकी जो है हम ख्याल हो हम सोच हो वो जो है हर कोई जो है दीन के खातिर अब कि जैसा अभी हम लोग देखें ना कि जब हम इस्लाम पर अमल करते हैं तो फिर कोई भी हमको पसंद नहीं करता हमारे स्पाउस हमको नहीं पसंद करते होंगे हमारे जो है फ्रेंड्स हमसे जो है दूर होना शुरू हो जाते हमारे जो है रिश्तेदार हमसे जो है दूर होना शुरू हो जाते अब्बा इनके साथ मिलते साथ दीन के शुरू कर देते इन्हो फिर ये वो शुरू कर देते इनसे जरा दूरी रहना इनो ठीक है और इवन जो है बादज वक़्त बच्चे भी हो सकता है हमको ना पसंद करे क्योंकि क्या है कि जरा जो है नाच गाना और ये तमाम चीजें जो है अगर करे तो जरा बच्चे जो है अट्रैक्ट होते अब दीन के बातें करेंगे तो बच्चे बोलते है अम्मा ये जो है दीन के फिर शुरू कर देते तो फिर बच्चे भी जो है दूर हो जाते बहरहाल तो आ, क्या है कि हो सकता कि भाई और फिर देखिए कि दूर होने वाले कौन हैं जो दीन से मोहब्बत नहीं करते उन्हों दूर होंगे जो दीन से मोहब्बत करते उन्होंने दूर होंगे तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बता रहे कि अगर तुम्हारे को पूरी सोसाइटी तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रही और तुमको दूर कर दे रही तुमको आइसोलेट कर दे रही तुमको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही तो अल्लाह ताला तुमको ऐसी दोस्तियां अता करेंगे ऐसी कंपनी अता करेंगे जो बेहतरीन रहेगी ठीक है यानी कि अल्लाह ताला जो है कुरान से मोहब्बत करने वाले वालों को फिर कुरान से मोहब्बत करने वाले ही दोस्त फिर अल्लाह ताला अता करेंगे फिर ऐसी खूबसूरत महफिलों में अल्लाह ताला शामिल करेंगे जहां पर फिर इंसान को सिर्फ जो है दिली खुशी नहीं बल्कि रूह भी उसकी जो है खुश हो जाएगी तो अल्लाह ताला बता रहे कि जरूर हम जो है में दाखिल करेंगे लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर मगर जब वो अल्लाह ताला के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह की अजाब की तरह समझ लिया तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला कुछ कमजोर जो ईमान वाले हैं अब देखिए कि ईमान वाले सबका ईमान बिलाल रजा के जैसा तो नहीं हो सकता ना कि अब जो साहबा इकराम भी थे वो जमाने में तो नए नए ईमान कबूल करे हुए थे सबका ईमान कम था किसी का ज्यादा था किसी का कमजोर था तो फिर हर कोई जो है बिलाल रजा रजत के साथ अहद अहद तो बोलने वाला नहीं था तो अल्लाह तला यहाँ पर जो है उन कमजोर ईमान वालों को मुखातिब करके अल्लाह तला उनको एक्चुअली मोटिवेट कर रहे हैं कि कुछ जो है कमजोर ईमान वाले ऐसे है कि जब उनके ऊपर आजमा शाही तो क्या समझ रहे हैं अल्लाह की तरफ से अजाब जो है वो समझ रहे हैं और फिर यानी कि इतना बड़ा जो है सजा उन्होंने जो है समझ रहे अब देखिए कि यहाँ पर एक बात इसे हमको भी जो है ये सबक मिलता है कि बाज वक़्त ऐसा होता ना कि जब हम जो है दीन के ऊपर अमल नहीं करते हैं तो हम जो है ज्यादा हो सकता कि खुशहाली की जिंदगी गुजारे थे अब जैसा दीन के ऊपर अमल कर रहे तो बहुत ज्यादा जो है कॉशियस होना चाहिए हो, 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 होना पड़ेगा और फिर साथ में जो है बाज लोग जो है कोई गलत कारोबार भी करते हैं कोई गलत बिजनेस करते हैं तो अब जब उनको दीन का मालूम हो जाता तो उन्होंने गलत वो बिजनेस छोड़ देते हैं और जैसा बिजनेस छोड़ते हैं तो फिर उन्होंने बैंक करप्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा जो है पैसों के मोहताज होते हैं जैसा होता है ना आप अपने पास जो है बेहतरीन मिसालें भी मौजूद है आ, कई लोगों की प्रेजेंट आज भी दुनिया में कि कोई जो है सिंगर है और फिर बाद में जो है जब वो दीन कबूल कर लेता है तो वो सिंगिंग अपनी छोड़ देता है वो अपना करियर छोड़ देता है उसकी वजह से जो है एकदम से बैंक करप्ट हो जाता है एकदम लॉस में आ जाता ठीक है तो इसी तरीके से अलग अलग जिंदगी में इंसान को जो है हालात से दो चार होना पड़ता हो सकता कि ये मामला नहीं है तो भी जनरली क्या है कि उसको जो है ईमान इस्लाम के ऊपर अमल करने के बाद जो है उन्हें मैं दिन के ऊपर अमल कर रू तो फिर मेरी जिंदगी तंग हो जा रही जबकि मेरी जिंदगी तो और कुशादा होना चाहिए और उन्हें यह अल्लाह का अजाब समझ रहा और अल्लाह की जो है समझ रहा कि मैं हक का काम नहीं करूं मैं सही काम नहीं करूं और वो फिर दीन से पलट जाए तो फिर अल्लाह बोल तोरे कि ऐसा नहीं करने का है आजमाइश में जो है क्या करना है साबित कदम रहना है हो सकता है कि तुम दीन के ऊपर अमल जब करेंगे तो पहले के बनस्बत तुम ज्यादा तंगी से जो है दो चार होंगे पर उसके बावजूद भी क्या करने का है तुमको साबित कदम रहने का है और वो तंगी कुछ दिनों की हो सकती है उसके बाद अल्लाह तला तुम्हारे लिए हमेशा के लिए जो है आसानियां लाएंगे अब अगर तेरे रब की तरफ से फताव नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा हम तो तुम्हारे साथ थे यानी कि ये जो कमजोर ईमान वाले हैं उनसे मुखातिब हम तो तुम्हारे साथ थे क्या क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह बखूबी अल्लाह को खूब बखूबी मालूम नहीं है और अल्लाह को तो जरूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन हैं और मुनाफिक कौन है यानी कि अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह को तो जरूर ये बात देखना है वला यालमन्नल्लाहु कि अल्लाह ताला तो जरूर ये जान कर रहेगा ये जरूर जान कर रहेगा कि कौन ईमान वाले है यानी कि हर एक इंसान की आजमाइश होने वाली है जितना वो ईमान पर आएगा उतनी आजमाइशें होगी अल्लाह ताला टेस्ट करेगा हाँ एक बार सर्टिफाइड हो गए पास हो गए तो उसके बाद अल्लाह ताला आसानियां भी लाएगा या फिर दुनिया में हो सकता है आजमाइश की जिंदगी हो तो पर आखिरत में क्या रहेगी बेहतरीन जो है उसकी जिंदगी रहेगी तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है बता रहे कि कौन ईमान वाले है और कौन मुनाफि है अब देखिये कि ये एक यूनिक बात है सुरेन कबूत की कि ये वाहिद कुरान में एक है जहाँ पर मक्की सूरत में मुनाफिक का बर्ड आया है ठीक है? यानी कि मुनाफिक का तस्वर क्या है कि मक्की जमाने में मुनाफिक का तस्वर ही नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि कोई भी जो है झूठ मूठ का ईमान कोई भी ला रही नहीं था क्योंकि क्यों नहीं ला रहा था क्योंकि उसको मालूम है कि ईमान लाने से उसको क्या क्या सख्तियां झेलना पड़ रहा ठीक है और उसका कोई फायदा नहीं है उसको कोई जो है दुनियावी फायदा नहीं है कोई माली फायदा नहीं है कोई इज्जत और का फायदा नहीं है उसको मालूम है कि अगर उन्हें जो है गोया ईमान लाना वो जमाने में ऐसा था कि अपने आप की मौत को दावत देना है उसके बावजूद भी अगर कोई ईमान ला रहा तो फिर डेफिनेटली उसका जो है वो उसका दिल जो है ईमान में बहुत ज्यादा पाक और साफ था तो मुनाफिकत की सवाल ही नहीं है पर यहाँ पर जो है ये एक वाहद जगह है जहां पर अल्लाह ताला ये मुनाफिक का वर्ड इस्तेमाल करे और इसका मतलब ये है कि जो डिफिकल्टी की वजह से ईमान से पीछे हट जा रहे जैसा कुछ लोग बोलते थे आके आप के पास कि देखो आपको हम हक हाँ नबी मानते हैं आपके पास जो किताब आ रही वो भी सही है हम ये भी मानते हैं पर क्या है कि अगर हम ईमान लेकर आए तो फिर को जो है बहुत सारी डिफिकल्टी से जो है दो चार होना पड़ता तो लिहाजा इस वजह से हम ईमान नहीं ला रहे वरना फिर हम तो आपको अल्लाह का नबी मान रहे और अल्लाह तला को एक खुदा मान रहे हमारा दिल से कबूल कर लिए तो अल्लाह तला बोले कि फिर ये भी क्या है मुनाफिकत है ये अमली मुनाफिकत हो जाएगी क्योंकि आप दिल से मान रहे पर अमल से जो है उसको जो है साबित नहीं कर रहे तो फिर ये ईमान कबूल नहीं किया जाएगा फिर ये मुनाफिकत की कैटेगरी में ही फॉल होगा तो देखिये कि ईमान दिल से ला लेना इम्पोर्टेंट uh, के साथ साथ अमल से साबित करना भी जरूरी है ये सोच के ईमान लाने के बाद हमारे को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा और उससे पीछे हट जा रहे हैं तो फिर ये क्या है एक किस्म की मुनाफिकत है तो हमको भी अपने आप को चेक कर लेने का है कि कहीं हम ऐसा अमल तो नहीं करते जिसमें जो है जहां पर आसान दिन दिख रहा है उसके ऊपर अमल कर ले रहे जहां पर मुश्किल दिन दिख रहा तो पीछे हट जा रहे ठीक है तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है बता रहे है कि अल्लाह ताला जरूर देखेंगे कि ईमान वाले कौन है और मुनाफे कौन है और फिर जो है फिर उसके बाद आयत नंबर ट्वेल्व और थर्टीन ठीक है तो यहाँ पर जो है हम लोग सोशल जो प्रेशर के बारे में जो बात करे थे आ, कि फर्स्ट आ, क्या था के फिजिकल जो है टॉर्चर किया जा रहा था सेकेंड क्या है कि जो है इमोशनल तरीके से जो है दीन से रोका जा रहा था अब यहां पर जो है थर्ड हम लोग सोशल प्रेशर का देखेंगे कि किस तरीके से माशरा जो है दीन से रोकने की कोशिश करेगा पर उसमें भी क्या करना है हमको साबित खत्म रहना है तो आयत नंबर ट्वेल्व और थर्टीन के बाद हमारा पार्ट वन खत्म हो रहा राइट और पार्ट टू जो है आयत नंबर फोर्टीन से स्टार्ट हो रहा और उसके बाद अब देखिए कि ये जो सूर्य अनकबूत है इसके अंदर मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो सूर्य अनकबूत का आयत नंबर वन से थर्टीन है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पूरे सूर्य अनकबूत का पूरे हर एक आयत इंपॉर्टेंट होती है हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट होता है यानी कि पूरा मरकजी जो आ, मजमून इसके अंदर जो दिया गया है जो मेन जो एक्चुअली इससे मैसेज है ये सूर्य अनकबूत का इसमें थर्टीन आयतों में दिया गया है और ये थर्टीन आयतों से रिलेटेड अब फिर क्या है बाकी की पूरी आयतें आ रही है तो ये तेरह आयतें बहुत ज्यादा जरूरी है इसीलिए जो है अपन इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें अब इनशाला कल जो आयतें आएंगी आयत नंबर चौदह से ये बहुत ही जो है सिंपल आयतें हैं अम्बा रसूल का जिक्र है इब्राहिम आसलामू इस्लाम और तमाम अम्बिया इकराम का तो इनशाला वो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन लोगों के ऊपर भी आजमाइशें आई और फिर उनसे हमको जो है क्या सबक मिलता है तो आयत नंबर ट्वेल्व और थर्टीन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इन आज जो है ये आ, कुछ प्रॉब्लम ये जूम की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग आ, सही टाइम पे स्टार्ट भी नहीं कर सके आ, तो चलिए इसके साथ हम लोग क्लास ए, एंड करेंगे आइटम बाई इलेवन पर अल्लाह ती से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर और ईमान पर साबित क़दमी अल्लाह ताला अता फ़रमाए तमाम आज़माइशों में अल्लाह ताला हमको कामयाब करे और अल्लाह ताला चाहे हमारी ईमान की वजह से हमारी आजमाइश हो या हमारी जिंदगी के मामलात में आजमाइश हो या जो है इस्लाम की वजह से तो अल्लाह ताला इसमें हमको साबित क़दम रख इस्लाम से फिर फिरने वाले ना बना और फिर आजमाइशों की वजह से दीन के मामलात पर अमल करने से पीछे हटने वालों में से हमको शामिल ना फरमा खूब दीन के लिए जद्दोजहद करने वाला कोशिश करने वाला मेहनत करने वाला कुरान के लिए दीन के लिए इस्लाम के लिए मेहनत करने वाला बना दे और अल्लाह ताला कुरान के ऊपर अमल करने के लिए भी जद्दोजहद करने वाला बना दे और इलाह आलमीन तमाम सहाबा इकराम की जैसा हमारा ईमान नसीब फरमा और हमारा बिल बिलखैर जो है अल्लाह ताला इस्लाम और ईमान पर कर और क्यामत में अल्लाह तो हमको सॉलिहन में शामिल फरमा जन्त के ऊंचे आला दर्जा अल्लाह तो हमको नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला हमको तोफ़ी कता फरमा कि हम अपने वालदेन के साथ हुसन सलूक करने वाले बने और उनके साथ जो है बेहतरीन अपनी अपने सबसे बेहतरीन जो है अखलाक और अमाल का जो है उनके साथ मुज़ाह करे और उनके जो है हकूक़ जो हमारे ऊपर उनके हक है जो ड्यू राइट्स है अल्लाह उसको अदा करने की तोफ़ी ख़तः फ़रमा दे आमिन वावान सुबहना रबीआज़त सिफ् वसलमसिलहमरबालमिन वालबी महमद व आलिया वसावी अजमायन बरहतर अल्लाम वरम व